चीन की जगह वर्ल्ड फैक्ट्री का ख्वाब संजोए बैठा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त तेजी दर्ज कर रहा है। इस बढ़ोतरी में मोबाइल फोन की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग का महत्वपूर्ण रोल है। इसकी वानगी भारत से निर्यात किए जा रहे स्मार्टफोन में भी नजर आ रही है। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन यानी ICEA के आंकड़ों के मुताबिक देश में मोबाइल फोन निर्यात अप्रैल से नवंबर तक 9 अरब डॉलर यानी 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। वहीं अप्रैल नवंबर 2022 में 6.2 अरब डॉलर यानी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल फोन का निर्यात किया गया था। इस तेजी में सबसे ज्यादा योगदान दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल का है। एप्पल का टारगेट भारत में सालाना 5 करोड़ आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करने का है। इस लक्ष्य के तहत कंपनी का कुछ उत्पादन चीन से बाहर भारत में ट्रांसफर किया जा रहा है। एप्पल अगले 2 से 3 साल में इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार है। ऐसे में ICEA का अनुमान है कि 2023-24 में भारत मार्च 2024 तक एक साल में 15 अरब डॉलर यानी 1.24 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल फोन का निर्यात करने में कामयाब रहेगा। यानी 2023-24 के मुकाबले मौजूदा कारोबारी साल में भारत से स्मार्टफोन का निर्यात 35% तक बढ़ जाएगा। इस तेजी के दम पर भारत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। इस मुकाम तक पहुंचने में भारत को ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स के साथ ही इनके वेंडर्स के भारी भरकम निवेश ने मदद की है। मोबाइल फोन के निर्यात में आए इस उछाल से भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट को भी बड़ा फायदा मिला है। ICEA के मुताबिक अप्रैल से नवंबर तक कुल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 28% बढ़कर 1,46,584 करोड़ रुपए का हो गया है। 2022-23 के दौरान 23.6 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात हुआ था, जिसमें मोबाइल फोन की हिस्सेदारी 11.1 अरब डॉलर की थी। 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के अनुमानित 26 अरब डॉलर में से मोबाइल फोन की 15 अरब डॉलर की हिस्सेदारी होने की उम्मीद है। यानी 2023-24 के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में मोबाइल फोन की हिस्सेदारी निर्यात 58% होने का अनुमान है। 2022-23 में यह करीब 47% थी। यही वजह है कि एप्पल और उसके फॉक्सकॉन जैसे वेंडर्स भारत में नए प्लांट्स पर जमकर निवेश कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।